आईक्यू 12 डिवाइस के लिए लास्ट फंटा चॉइस का जो अपडेट है अवेलेबल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर मिड अक्टूबर 2024 से फंटा चॉइस 15 का जो अपडेट है ऑफिशियली आईक्यू 12 डिवाइस के लिए रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए ये जो अपडेट है फंटा चॉइस 14 के साथ लास्ट अपडेट है, इसमें आपको जो है बग फिक्सेस देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड हमने यहाँ पर आईक्यू के रिलेटेड ढेर सारी वीडियो अपलोड किया है। आप सिंपली आईक्यू का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एनीवे यहाँ पर फंटा चॉइस 15 का जो अपडेट है आईक्यू एंड वीवो डिवाइस के लिए कब रिलीज होने वाला है इसके रिलेटेड हमने वीडियो अपलोड किया है, आईक्यू का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करना। एनीवे यहाँ पर आईक्यू 12 के साथ ये जो ओटी अपडेट है एंड्रॉयड 14 के साथ देखने को मिलता है, यहाँ पर सितंबर 2024 का जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा फंटा चॉइस 14 के साथ। अपडेट का जो साइज है 323 MB है, 14.0.14.4.W30 यहाँ पर मॉडल नंबर है। सबसे पहले इस अपडेट के साथ आपको जो है सिस्टम सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है सितंबर 2024 सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। प्लस यहाँ पर जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के साथ जो है ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा, जो UI है उसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है कुछ एप्लीकेशन के साथ, प्लस जो है सिस्टम UI को भी जो है ऑप्टिमाइज किया गया है। तो ये जो अपडेट है लास्ट अपडेट होने वाला है होपफुली फंटा चॉइस 14 के साथ, इसलिए आपको जो है बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ कुछ एप्लीकेशन को जो है ऑप्टिमाइज किया गया है, सिस्टम UI को ऑप्टिमाइज किया गया है, बेटर एंड इम्प्रूव फंटा चॉइस 14 का जो है एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो मल्टीमीडिया है उसके साथ भी यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा, जो ऑडियो प्लेबैक इफेक्ट है उसे जो है इम्प्रूव किया गया है, ऑप्टिमाइज किया गया है, बेटर आपको जो है मल्टीमीडिया के साथ जो है एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर जो ऑडियो है, आउटपुट ऑडियो है, उसके साथ भी जो बग फिक्सेस देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली जो ऑडियो एक्सपीरियंस है उसे जो है इम्प्रूव किया गया है फंटा चॉइस 14 लेटेस्ट सितंबर अपडेट के साथ। प्लस यहाँ पर जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के रिलेटेड जो है यहाँ पर बग फिक्सेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लास्ट जो अगस्त अपडेट है उसमें जो है ब्लूटूथ डिवाइस जो है कुछ टाइम के बाद जो है डिसकनेक्ट हो जा रहा था, उस इशू को जो है यहाँ पर सितंबर अपडेट के साथ जो है फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर ये जो अपडेट है अभी फिलहाल स्टेबल अपडेट है, सभी जो है यहाँ पर आईक्यू 12 यूजर को ये जो फंटा चॉइस 14 का जो स्टेबल अपडेट है रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। एंड ये जो अपडेट है आई थिंक लास्ट अपडेट होने वाला है, इसके बाद जो है अक्टूबर 2024 से आईक्यू 12 डिवाइस के लिए फंटा चॉइस 15 का जो अपडेट है एंड्रॉयड 15 के ऊपर बेस करके रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। तो अगर आप ऑलरेडी आईक्यू 12 डिवाइस के ऊपर सितंबर अपडेट को यूज़ कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, बैटरी बैकअप कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि इस अपडेट के साथ बेसिकली जो ब्लूटूथ है उसे फिक्स किया गया है, प्लस जो ऑडियो प्लेबैक है उसे जो है ऑप्टिमाइज किया गया है, सिस्टम UI को ऑप्टिमाइज किया गया है एंड सितंबर का जो है सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा। इस अपडेट के साथ आपको जो है बग फिक्सेस देखने को मिलता है, कोई भी नया फीचर्स यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नया जो फीचर्स वगैरह है फंटा चॉइस 15 के लिए देखने को मिल रहा है नया एंड्रॉयड वर्जन के साथ। एंड यहाँ पर जो है आईक्यू 11 डिवाइस के लिए भी जो है सितंबर का जो अपडेट है अवेलेबल है, 0.97 GB का अपडेट है एंड्रॉयड 14 के साथ। एंड आईक्यू 11 डिवाइस के लिए जो है नवंबर से फंटा चॉइस 15 का जो अपडेट है रिलीज होने वाला है, रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आईक्यू 11 डिवाइस के लिए जो सितंबर का जो अपडेट है इसका मॉडल नंबर है 14.1.12.1.W30। एंड इस अपडेट के साथ जो नेटवर्क स्टेबिलिटी है एंड नेटवर्क को जो है और ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है, अभी फिलहाल आपको ब्लूटूथ के साथ, वाईफाई के साथ, इवन जो है नेटवर्क के साथ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, प्लस मल्टीमीडिया के साथ भी जो ऑडियो प्लेबैक इफेक्ट है उसे जो है इम्प्रूव किया गया है। एंड ब्लूटूथ के साथ जो है वायरलेस ईयरफोन कनेक्ट करने के बाद कुछ टाइम के लिए जो है यहाँ पर आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा था, तो जो ब्लूटूथ ईयरफोन के साथ
कनेक्टिविटी के रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, साउंड नहीं आ रहा था, उसे फिक्स किया गया है। प्लस यहाँ पर सितंबर का जो सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलेगा आईक्यू 11 डिवाइस के लिए, प्लस कुछ कुछ फीचर सही से काम नहीं कर रहा था उसे भी फिक्स किया गया है। तो आप देखोगे जो भी फनटच ओएस 14 का जो अपडेट है देखने को मिल रहा है, इसमें जो है आपको मोस्टली बग फिक्सेस देखने को मिलता है, कोई भी नया फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि फनटच ओएस 15 का जो ऑफिशियल अपडेट है एंड्रॉयड 15 के साथ बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिलीज होने वाला है, इसलिए आपको कोई भी नया फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इवन हमारे पास जो आईक्यू 12 डिवाइस है, इसलिए जो है इसमें फनटच ओएस 15 का जो अपडेट है ऑलरेडी रोल आउट हो गया है, 2.53 GB का है एंड ऑफिशियल अपडेट है। एंड फनटच ओएस 15 के साथ आपको जो है यहाँ पर मिनिमल चेंजेस देखने को मिलता है, एनिमेशन वगैरह काफ़ी सही है, बट यहाँ पर कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन पैनल, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, इसमें जो है यूआई के ऊपर ज़्यादा चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। बाकी क्या आप फनटच ओएस 15 के लिए एक्साइटेड हो, जरूर से कमेंट करके बताना। एंड नया अपडेट हो, फनटच ओएस 14 का अपडेट हो, फनटच ओएस 15 का अपडेट हो, नया अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद फोन जो है थोड़ा बहुत जो है पर वार्म हो सकता है, गर्म हो सकता है, तो आप सिंपली यहाँ पर नया अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद जो है ऑटोमेटिकली फोन जो है कुछ टाइम के बाद नॉर्मल टेम्परेचर में वापस आ जाएगा। तो इंस्टॉल करने के दौरान फोन जो है थोड़ा सा वार्म हो सकता है, गर्म हो सकता है, एंड थोड़ा सा जो है बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिलता है कुछ टाइम अपडेट करने के बाद। उसके बाद विद इन 1 वीक बैटरी बैकअप जो है सही हो जाता है। तो अगर आप नया अपडेट को इंस्टॉल करते हो फनटच ओएस 14, फनटच ओएस 15 का, तो कुछ टाइम वेट करो, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो बैटरी बैकअप है सही हो जाएगा। बैटरी को कैलिब्रेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड यहाँ पर देख सकते हो नया अपडेट के साथ आपको जो है परफॉर्मेंस एंड बैटरी बैकअप प्लस नया फीचर्स कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना, स्पेशली फनटच ओएस 15 के हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर फनटच ओएस 15 के साथ अब कुछ नया फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन देखने को मिलेगा, डायनेमिक इफेक्ट को ऐड किया गया है, लाइव ट्रांसक्राइब साउंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन है एक्सेसिबिलिटी के साथ। बाकी यहाँ पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के साथ भी इम्प्रूवमेंट है, प्लस मल्टीटास्किंग के साथ भी इम्प्रूवमेंट है, एंड सेटिंग्स मेनू का जो लेआउट है उसे चेंज किया गया है, नोट्स एप्लीकेशन के साथ एडिटिंग टूल देखने को मिलेगा, इवन नोट्स को आप जो है शेयर भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, स्मार्ट साइड बार के साथ स्क्रीन ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, एंड यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है स्क्रीनशॉट के साथ भी जो मेनू है उसको जो है यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है, एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्लस अल्ट्रा गेम मोड भी देखने को मिलता है, प्लस एल्बम के साथ कुछ एआई इरेज फीचर्स को ऐड किया गया है, क्लीनअप सजेशन का ऑप्शन है, विजेट्स के साथ नया क्लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा, होम स्क्रीन के साथ लार्ज फोल्डर को ऐड किया गया है, प्लस नया वॉलपेपर, इवन जो वीडियो है उसे भी आप एज ए वॉलपेपर की तरह यूज कर सकते हो, एंड ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएगा, लिंक टू विंडोज फीचर्स देखने को मिलता है, नया सिस्टम डायनेमिक इफेक्ट को ऑप्टिमाइज किया गया है, नया जो एनिमेशन वगैरह है उसे जो स्मूथ किया गया है। बट फिर भी एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो फनटच ओएस 15 का अपडेट है काफ़ी मिनिमल अपडेट है मेरे हिसाब से। बाकी क्या आपने आईक्यू 12 डिवाइस के ऊपर फनटच ओएस 15 का जो अपडेट है इंस्टॉल किया है कमेंट करके बताना।